प्रयागराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि 14 अक्टूबर के दिन सपा और कांग्रेस को भी इस पर बोलना पड़ गया। दोनों ही पार्टी ने इस वीडियो को शेयर कर क्या कहा वो बताएंगे, उससे पहले आप इस वीडियो की सच्चाई जान लीजिए। इस वीडियो में एक शख्स अपनी पत्नी और एक पिता अपनी बेटी की मौत के बाद उसके शव को कपड़े में रखकर बांस की डंडी से बांधते हैं, फिर कंधे में टांग कर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। वो जहां से भी गुजर रहे थे उधर लोग हैरत भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे कुछ राहगीरों और पुलिस का दिल पसीज गया। उन्होंने रोक कर उनसे जानकारी ली और कुछ पैसों की मदद कर ई रिक्शा से पार्थिव शरीर को गंगा घाट तक भेजने की व्यवस्था की। इस बीच किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ये पूरा मामला प्रयागराज के झूसी के नीबी गांव का बताया जा रहा है। मजदूर की पत्नी की मौत के बाद परिवार के पास ना तो अर्थी साजने के पैसे थे, ना शव को वाहन से ले जाने के लिए रुपए और ना ही चार कंधे। वो लोग पत्तल बेचकर गुजारा करते थे। गरीबी का ये मंजर देखने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा, जहां मृतक का सम्मान नहीं वहां अमृतकाल नहीं। वहीं यूपी कांग्रेस ने भी इस वीडियो को लेकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए बड़ी ही मार्मिक लाइनें लिखी। कहा, ये झलक समाज के संवेदनहीनता की झलक तो है ही, साथ ही इस देश के आर्थिक असमानता की वो सच्चाई है जो बताती है कि यहाँ अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी बढ़ गई है। यहाँ हर रोज अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। बाकी ये सब निजाम और उसकी पूरी सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। ये वीडियो वाकई आत्मा को झकझोर देने वाला है। जहाँ ये वीडियो सामाजिक ताने बाने पर सवाल खड़े कर रहा है, समाज के स्याह सच को सामने ला रहा है, वहीं इस वीडियो ने खाकी और समाज के बदलते चेहरे को भी सामने ला दिया है, जो वाकई काबिले तारीफ है। इस वीडियो को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।